शिमला जिला के रामपुर के समीप डमराली के पास बादल फटने से संपर्क सड़कों को काफी क्षति पहुंची है। इससे रामपुर से तकलेज उप तहसील मुख्यालय और रामपुर रोहडू का यातायात संपर्क कट गया है। पेयजल लाइन भी प्रभावित हुई है। बिजली और टेलीफोन व्यवस्था को युद्ध स्तर पर कार्य कर दुरुस्त कर दिया गया है। मार्ग को खोलने का कार्य तेजी से जारी है। घटनास्थल पर हिमाचल प्रदेश के सातवें वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं विधायक नंदलाल समेत जिलाधीश एवं जिला प्रमुख पुलिस प्रमुख भी पहुंचे। विधायक नंदलाल ने बताया कि बादल फटने से कितना नुकसान है इसका आकलन किया जा रहा है। पिछली रात थेड्डा और डमराली के आसपास बादल फटे और नीचे आते हुए पानी का बहाव बढ़ गया, जिसके चलते सड़कें टूटी हैं। उन्होंने जल्द से जल्द मुख्य मार्ग को बहाल करने के निर्देश दिए। पिछली रात जो बादल फटा है ये करीब थेड्डा के पास हुआ है, डमराली जगह है वहाँ पे हुआ है। उसके बाद वहाँ से जो पानी का बहाव नीचे को आया तो हमारे यहाँ झरना था, इस झरने के ऊपर उसको और ऊपर पानी ज़्यादा आया और इससे सड़क टूट गई है। और ऊपर जो चिकरी का जो रोड है वो भी दो तीन जगह टूटा हुआ है। तो अच्छा, अभी तो पहला काम ये है कि तो रिस्टोर दिस मेन रोड, ये पक्का इसको ठीक करके ताकि हम जो है तकलेज हेडक्वार्टर तक पहुँच पाएँ। उसके बाद ऊपर का जो रास्ता है चिकरी को अपना आगे रोडू जाने के लिए, अपना नरेंद्र बाजार जाने के लिए, उसको जल्दी जल्दी रिपेयर करें। इस दौरान उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि बादल फटने और बाढ़ की घटनाएं पिछले कुछ दिनों से घट रही हैं। उन्होंने कहा कि कल रात डमराली और चिकरी एवं तकलेज नाले में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इस घटना में काफ़ी मलबे से चार स्थानों पर सड़क बाधित हुई है, जबकि बिजली को बहाल कर दिया गया है और पेयजल लाइन को दुरुस्त करने का काम जारी है। इससे इसमें जो है वो मिट्टी और इसके साथ जो पत्थर वगैरह आए हैं साथ में, उससे रोड में भी काफ़ी पेड़ वगैरह भी सब इसके साथ आए हैं। और ये चार जगह में जो है ये, क्योंकि रोड जो है जिगजैग करके जो है ऊपर जाती हैं, तो चार जगह में काफ़ी रूप से बाधा इसमें आई है और ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। तो इसमें ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं प्रभावित लोगों ने बताया कि उनके मकान को खतरा बना हुआ है और सारी ज़मीन बह गई है। बीती रात को उन्होंने भागकर जान बचाई है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उन्हें दूसरी जगह विस्थापित किया जाए। वहीं स्थानीय निवासियों ने सड़कों को हुए नुकसान के चलते सेब का सीजन शुरू होने के बारे में भी चिंता जाहिर की है। जो डमराली के साथ में जो बादल फटा है तो मतलब काफ़ी नुकसान हुआ है, आप पीछे भी देख सकते हैं, रोड का भी काफ़ी नुकसान हुआ है और अभी हमारा सेब सीजन भी चरम पे है तो रोड को भी ठीक होने में काफ़ी समय लग सकता है। जिस हिसाब से रोड की हालत आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा रोड जो है बह गया है। प्रशासन जल्दी से जल्दी रोड को दुरुस्त करें ताकि हमारे बागवानों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े अपने सेब को मंडी तक पहुंचाने के लिए। हमारा मकान ऊपर से भी बह रहा है, मलबा बह रहा है ऊपर से और दूसरे नीचे से खड़ने कटाई कर ली, जो कि आज रात 9 बजे के लगभग बाढ़ आई थी, इसकी वजह से वो हिल गया मकान सारे। जगह ट्रांसपोर्ट करके देते हैं, हमारे कोई अगर टेंटी लग जाए उसमें भी रह जाएंगे, मगर ये तो बहुत खतरनाक जगह है।